भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में मौजूद राम सेतु को कब और कैसे बनाया गया था, इन सवालों के जवाब जानने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने खास रिसर्च शुरू कर दी है, जिसके तहत इस साल समुद्र के पानी के नीचे एक प्रोजेक्ट चलाया जाना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रामायण काल के बारे में जानकारी जुटाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। ASI के सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ऐसे में अब इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक राम सेतु को लेकर रिसर्च कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च में राम सेतु की आयु और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस रिसर्च के लिए NIO की ओर से सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के जहाजों का इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन समुद्री जहाजों की खास बात यह है कि ये पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे से आसानी से नमूने एकत्र कर सकते हैं। इस शोध में ये भी पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि क्या राम सेतु के आसपास कोई बस्ती भी थी। जानकारी के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में रिसर्च के दौरान रेडियोमेट्रिक और थर्मियोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जैसे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। शैवालों की भी जांच की जाएगी। दरअसल शैवाल या कोरल में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट राम सेतु की उम्र बताने में मदद कर सकता है। ये प्रोजेक्ट धार्मिक और राजनीतिक महत्व भी रखता है। रामायण में कहा गया है कि वानर सेना ने भगवान श्री राम को लंका पार कराने और माता सीता को बचाने के लिए मदद करने में समुद्र पर एक पुल बनाया था। ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है। अब समुद्र में मौजूद राम सेतु को इसी धार्मिक और पौराणिक नजर से देखा जाता है। 2007 में ASI का कहना था कि इसका कोई सबूत नहीं मिला है। बाद में ASI ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा वापस ले लिया था। अब देखना ये होगा कि वैज्ञानिकों को और क्या क्या चीजें खोजने में मदद मिल सकती है। न्यूज डेस्क, नमामि भारत।